ऐश्वर्या और सलमान कभी भी किसी भी एक जगह एक साथ या किसी भी एक जगह पर आमना सामना करने से बचते रहे। कभी अगर इवेंट में सलमान आते तो ऐश्वर्या निकल जाती, ऐश्वर्या आते तो सलमान निकल जाती, यानी कि ऐश्वर्या ने सलमान को ऐसा कट ऑफ किया था जैसे सलमान उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन सालों बाद ऐश्वर्या और सलमान एक टाइम पर एक ही छत के नीचे कल मौजूद रहे, उस वक्त जब मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी रखी थी और इस पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री और अंबानीज और सभी लोग मौजूद रहे। इसी पार्टी में सलमान खान भी पहुंचे थे और ऐश्वर्या राय भी पहुंची थी। ऐश्वर्या राय और सलमान खान के रेड कार्पेट ग्रेस करने की वीडियोस काफी वायरल है। हाँ, ऐश्वर्या और सलमान खान ने सेम टाइम पर एंट्री नहीं ली, दोनों ने अलग अलग वक्त पर एंट्री ली, लेकिन ये भी नहीं नकारा जा सकता कि पार्टी में दोनों क्रॉस तो हुए होंगे, सेम छत के नीचे तो रहे होंगे, चर्चाएं तो इस बात की भी हुई होगी। सबसे बड़ी बात यह खबर तब आती है जब ऐश्वर्या राय की बच्चन परिवार से खटपट की खबरें आ रही है, जब बच्चन परिवार ऐश्वर्या से दूरी बनाए हुए हैं, जब बच्चन परिवार का कोई भी शख्स कल की पार्टी में ऐश्वर्या के साथ नहीं पहुंचा था, ऐश्वर्या अकेली इस पार्टी में पहुंची थी और तभी सलमान खान का भी वहां पर मौजूद होना रहा। ऐसे में अब जो सलमान और ऐश्वर्या की जोड़ी को पसंद करते थे वो फैंस एक अलग ही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बात करें ऐश्वर्या राय की तो वो एक डेडिकेटेड वाइफ रही, अभिषेक से उनका हमेशा प्यार बना रहा और वो अब एक डेडिकेटेड मदर है। इनफैक्ट ऐश्वर्या राय अपनी फैमिली के लिए इस कदर अवेलेबल है कि उन्होंने अपने करियर को भी पीछे छोड़ दिया है।